हाय फ्रेंड, मैं अंकित अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये पावर ट्रैक का 434 है। इसका ये पीटीओ शाफ्ट का सील लीक कर रहा था और ये इसका बैरिंग देखिए पूरी तरह से डेड हो चुका है। पीटीओ शाफ्ट पूरी तरह से प्ले हो गया है, इसीलिए इसका सील लीक कर चुका था। इसका हम ये सील और बैरिंग बदलने वाले हैं। अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिलता रहेगा। यह हाइड्रोलिक टॉप कवर को ऊपर के सारे बोल्ट खोल के निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अंदर से शाफ्ट पे थोड़ा सा शर्ट लगाएंगे, ये पीटीओ शाफ्ट बाहर निकल जाएगा। और एक स्लाइडर पिनियन होता है यहाँ पे पीटीओ गियर को लगाने के लिए, और इसमें फरोक लगा रहता है। ये देखिए, ये इस प्रकार से काम करता है। ये शाफ्ट कितना प्ले हो चुका है, ये शाफ्ट को निकालते हैं। ये मैंने शाफ्ट को निकाल लिया है, इसका बैरिंग को। ये इसका बैरिंग है, ये बैरिंग हम बदलने वाले हैं, जो 6307 का बैरिंग लगता है। इसको निकाल के न्यू बैरिंग लगाएंगे और इसका सील लगाएंगे। इसके बाद हाइड्रोलिक टॉप कवर को लगा के टाइट उट करके सारे फिटिंग कर देंगे। ये इसका पिनियन है, स्लाइडर पिनियन। ये NBC का बैरिंग है, ये 6307 का वायरिंग है जो कि NBC कंपनी का है। इसको हम लगाने वाले हैं शाफ्ट पे। इसके बाद एक लॉक लगता है और ये इसका सील है, जो पावर ट्रैक का ओरिजिनल है, जेन्युइन। ये सील इसमें इस प्रकार से लगेगा। इसको लगा के हम फिट कर लेते हैं। इसको लगा के मैंने फिट कर लिया है, और जितना गियर वायल निकला था सारे गियर वायल को मैंने डाल दिया है और सारे फिटिंग को टाइट कर देते हैं। ये कंप्लीट हो गया है प्रोसेस। जय हिंद।